हमने कहा था कोई शिवलिंग जंगल में हो, एकांत में हो, जहां कोई नहीं जाता हो। बोला था कि नहीं बोला था? जहां कोई ना जाए, केवल शिवलिंग है, वहां कोई जाता ही नहीं है, वहां कोई पहुंचता ही नहीं है, और आप वहां से निकल कर जा रहे हैं और आपने वहां पर एक लोटा जल समर्पित कर दिया या वहां सफाई कर दी या वहां भगवान की पूजन कर ली, तो वो अधिक फलदायी होता है। उसका कारण क्या है? लिंग पुराण कहती है घर में जो शिवलिंग है उस शिवलिंग से ज्यादा बलवान होता है मंदिर का शिवलिंग, मंदिर के शिवलिंग से ज्यादा बलवान होता है तीर्थ क्षेत्र का शिवलिंग, तीर्थ क्षेत्र के शिवलिंग से ज्यादा बलवान होता है किसी नदी सरोवर तालाब कुंड के पास का शिवलिंग। नदी तालाब कुंड के पास के शिवलिंग से ज्यादा बलवान होता है वन में, एकांत में, जंगल में, पहाड़ पर्वत पर, कोई शहर से दूरी पर, गुप्त स्थान पर कोई शिवलिंग है वो बलवान होता है। अब उस शिवलिंग के पास में जाकर आपने भूल से भी एक लोटा जल चढ़ा दिया या कोई थोड़ा सा कपड़ा उतार कर आपने वहां थोड़ी सी सेवा कर दी, तो उसका फल तो हजार लाख गुना तो मिला।